लेकिन एक दिन मुझे ये चुन्नी तुम्हारी पोती को देनी पड़ेगी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? सबसे पहले तो दोस्ती तोड़ के रिश्तेदारी का प्रस्ताव रखा और अब ऐसे घूर घूर के मुझे देख रही हो। अरे बाबा, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी तो उस दोस्ती को यादगार बनाने के लिए ये चुन्नी से बढ़कर और कोई चीज होगी? मतलब वही जो तू सोच रही है। अब वही मतलब तेरी सास को समझा। जान ही निकाल दी थी, वरना मुझे तो ऐसा लगा कि क्या लगा कि मैं तुझसे नाराज होके तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। अब मैं साथ छोड़ने के लिए नहीं, हमेशा के लिए साथ निभाने आई हूँ। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम इस विषय में आगे बात करें उससे पहले मैं तुम्हें कुछ एक बातें बहुत ही स्पष्ट कहना चाहूंगी। तो बोल। हमारी मीरा को तुम्हारे घर की बहू बनाने की कल्पना मेरे मन में इसीलिए आई क्योंकि जो सारी खूबियां तुम अपने पोते की होने वाली बहू में ढूंढ रही थी वो सारी हमारी मीरा में है। बस तो थी गई ना बात। पर एक बात अवश्य कहूंगी, जब वो बहुत छोटी थी तब हम सबसे बिछड़ गई। हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि अब वो हमें कभी नहीं मिलेगी, पर कृष्ण भगवान की असीम कृपा है कि हमें मिल गई। वो बहुत भोली थी, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी। जब वो बड़ी हुई तो तुम तो जानती हो 10 वर्षों तक वो हमसे अलग रही, अपनी माँ से अलग, और इसीलिए अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपनी माँ गोपी हो और मुझे कसूरवार ठहराती है। मीरा के मन में हमारे प्रति जो कड़वाहट है वो हम चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पाए। हाँ मासी जी, मीरा उसे कब गुस्सा आता है, किस बात पे वो नाराज हो जाती है, समझना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा गुस्सा उसे तब आता है जब हम उसे रोकना चाहते हैं किसी काम करने से या उसके लिए हम कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो फैसला उसकी जिंदगी के लिए अच्छा ही क्यों ना हो। दरअसल वो सिद्धि है। लेकिन मासी जी, हमारी मीरा सिद्धि जरूर है पर दिल की वो बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ वो सुधर जाएगी। मैं तुम्हें मीरा के बारे में किसी भी बात को लेकर अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूं। ये रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हूं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार है। यदि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो तुम बेझिझक मुझे मना कर सकती हो। हमें कतई बुरा नहीं लगेगा और ना ही हमारी दोस्ती में कोई दरार आएगी। पर जो भी है मैंने तुम्हें सच बताया। हो गया या और कुछ भी बताना बाकी है? ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी पोती अच्छी लगी। अरे भाई, जो मेरी कोयली को खून के आंसू रुलाती है, उस मीरा में कुछ तो बात है। धा, 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 धा। मैं समझ गई कि तुम्हारी पोती क्यों ऐसी है। 10 साल अपनी माँ से, अपनी दादी के प्यार से वंचित रही है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मेरे घर में मैं उसे इतना प्यार दूंगी कि वो अपनी माँ को क्या, अपनी दादी को भी भूल जाएगी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे दिल का बोझ हटा दिया। जब आपने इस रिश्ते को स्वीकार कर ही लिया है तो माँ जी, मुझे लगता है हमें अहम जी और बाकी घर वालों को भी बता देना चाहिए। बात बढ़ाने से पहले हमें मीरा से भी एक बार पूछ लेना होगा। वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है गोपी बहू। सच कहूँ गौरा, तो मीरा की स्वीकृति सबसे अति आवश्यक है। अंबे माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ राजकोट जिस काम से आई थी, वो काम पूरा हो गया। मतलब? अरे मतलब ये कि मैं यहाँ राजकोट आई थी अपने पोते के लिए लड़की ढूंढने के लिए, लेकिन देखो काख माँ छोकरू ने गाम माँ डिंडेरो। लड़की मिली भी तो कहाँ? मेरी सखी, मेरी सहेली के घर में। अब मैं फटाफट मेरे पोते को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ ताकि वो मीरा को देख ले और आप लोग उसे। हाँ हाँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे पूरी जिंदगी बात होती रहेगी कोयली, लेकिन अभी मुझे मेरे पोते से बात करनी है। 1 मिनट, मैं बोल रही हूँ बेटा। जय अम्बे। अच्छा सुन माँ जी, माँ जी आपको क्या लगता है, क्या अहम जी और मीरा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे? वैसे तो अहम जी, मुझे लगता है हमारी मीरा गौरा मासी के घर में बहुत खुश रहेगी, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डर? आप तो मीरा को जानते हैं ना, उसमें अभी भी बहुत बचपना है। वो अनजान लोगों के बीच नए माहौल में कैसे खुद को एडजस्ट कर पाएगी मुझे नहीं पता। और ऊपर से उसका स्वभाव, किस बात पे किस वक्त उसे गुस्सा आएगा ये तो कोई नहीं जान सकता। वैसे गौरा मासी जी माँ जी की खास सहेली है और माँ जी भी उनके घर वालों से अच्छे से परिचित है, इसलिए मुझे तो उन पर पूरा भरोसा है कि मासी जी हमारी मीरा को बहुत अच्छे से संभाल लेंगी और जरूरत पड़ने पर हाथ थामकर उसे सही दिशा भी दिखाएंगी। बस चिंता है तो मुझे मीरा की। पता नहीं इस रिश्ते को लेकर वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। I can understand वो, लेकिन मॉम का ये फैसला है, सोच समझ कर लिया होगा उन्होंने, क्योंकि वो मीरा को भी जानती है और अपनी सहेली को भी। तो कभी मुझे लगता कि इस रिश्ते में हमें कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्या अहम जी? गोपी, मैं चाहता हूँ कि पहले मीरा अपनी पढ़ाई खत्म करे, उसके बाद हम उसकी शादी के बारे में सोचें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मीरा जिंदगी में किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। हाँ अहम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने इस रिश्ते को अभी भी पक्का नहीं किया है। हमने साफ साफ मासी जी को कह दिया है कि हम पहले मीरा से बात करेंगे, उसकी मर्जी जानेंगे और अगर मीरा इस रिश्ते को लेकर राजी हो जाती है तभी हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी गोपी, क्या तुम्हें नहीं लगता क्या मीरा की शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे? मीरा और लड़का एक दूसरे को अगर पसंद कर लेते हैं तो उसमें दिक्कतें क्या है? और रही बात मीरा की पढ़ाई की, तो वो तो शादी के बाद भी कर सकती है। अरे गोपी, मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम समझ नहीं रही। देख लो गोपी, कल तक हम जिस मीरा की स्कूल और कॉलेज की बातें किया करते थे, आज उसकी शादी की बातें हो रही हैं। हमें तो पता ही नहीं चला। हमारी छोटी सी मीरा हमारे देखते देखते कितनी बड़ी होगी। मीरा की शादी। अहम जी, सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मीरा इतनी बड़ी हो गई। पर आप जानते हैं, जीवन में हम हर एक चीज को नियंत्रण कर सकते हैं, पर ये वक्त ऐसी एक चीज है जो ना कभी किसी के काबू में आया है और ना ही कभी आएगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।